हेलो फ्रेंड्स, देसी व्यंजन चैनल में आपका स्वागत है। कॉर्न पकौड़ा बनाने के लिए मैंने एक कप कॉर्न लिया है। इसे मैंने 2 मिनट के लिए बॉईल कर लिया है। यदि आप फ्रेश कॉर्न ले रहे हैं तो उसे बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है। कॉर्न को मिक्सी में डालकर दरदरा पीस लेना है। इस तरह से कॉर्न को दरदरा पीस लिया है तो प्याज को लंबे टुकड़ों में काट लिया है। थोड़ी सी धनिया पत्ती लिया है, 2 हरी मिर्च को बारीक काट लिया है, थोड़ी सी करी लीव्स लिया है, ये ऑप्शनल है। सभी को पीसे हुए कॉर्न में मिला देना है। आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट मिला देना है। आधा चम्मच हल्दी मिला देना है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ी सी अजवाइन को क्रश करके ले लेना है। सभी को अच्छे से मिला लेना है। अब इसमें 4 चम्मच बेसन मिला देना है। 4 चम्मच राइस फ्लावर मिला देना है। इससे पकौड़े कुरकुरे बनेंगे। सभी को कॉर्न के मिक्सर में अच्छी तरह से मिला देना है। तेल को गर्म होने के लिए रख दिया है। आंच को मीडियम स्लो रखना है। थोड़े से मिक्सर को लेकर तेल में डालते जाना है। मीडियम स्लो आंच पे इसे उलटते पलटते हुए लाल कर लेना है। पकौड़ा हमारा लाल हो गया है। अब इसे किचन टॉवल पे निकाल लेना है। सभी को इसी तरह से तल लेना है। इसे मैंने ग्रीन चटनी के साथ सर्व किया है। आप भी इस बारिश के मौसम में गर्मा गर्म कॉर्न पकौड़े जरूर बनाएं। ये सभी को काफ़ी पसंद आते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक यू।